जब भी हम वाइल्ड लाइफ एंड क्रिएचर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में शेर, चीता, टाइगर और लेपर्ड जैसे फेरोशियस एनिमल्स का ही नाम आता है, जो यूजुअली खूंखार और बेशक खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमने इन जानवरों के प्रति एक प्रेजुडिस बना रखी है कि वो डेंजरस होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वेल, इससे पहले कि आप हमें खड़ी खोटी सुनाए, मैं आपको बता दूं कि जंगली जानवर बेशक निर्दयी स्वभाव के होते हैं, लेकिन कई बार इनमें गजब की सेंसिटिविटी और एम्पैथी आ जाती है, और ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई सेवियर हो ही नहीं सकता। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम फटाफट आपको दिखाए वाइल्ड एनिमल्स की उन प्रोटेक्टिव फॉर्म्स को, जो अगर कैमरा में कैद ना होता तो कोई यकीन नहीं करता। नंबर 10, ओरांगुटान सेव्स डक चिक। ये एक दिल छू लेने वाला वीडियो है जिसमें ओरांगुटान अपने दिमाग और इंसानियत से आपको हैरान कर देगा। ओरांगुटान पानी में बहुत देर से एक बतख के बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि ये छोटा सा बच्चा ठीक से तैर नहीं पा रहा है, तो ये बाहुबली स्टाइल में आगे बढ़ा और एक पत्ते को उठाकर बतख के छोटे बच्चे की मदद करने लगा। ओरांगुटान बच्चे तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा था, तो ये खुद को संभालता हुआ बतख के बच्चे को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये डक का छोटा सा बच्चा ओरांगुटान के पास पहुंचता है, ये उसको हाथ से पकड़कर घास में रख देता है। ओरांगुटान की मदद की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद ये डॉक्टर की तरफ बतख के बच्चे को उठाकर चेक भी करता है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी। अब पता लगा ओरांगुटान को समझदार जानवर क्यों कहा जाता है। नंबर 9, डॉग सेव्स पपी। दूसरे जानवरों में तो शायद कभी कभी किसी सुपर हीरो की आत्मा आती है, लेकिन डॉगीज अक्सर सुपर हीरो का रोल निभाते रहते हैं। ऐसे ही हीरोइक काम यहाँ इस डॉग ने भी किया। किसी घर के पूल में एक छोटा पपी गिर गया। उसके भौंकने की आवाज सुनकर ये बड़ा डॉग आया और उसको बचाने की कोशिश करने लगा। डॉगी कभी पपी के पैर को पकड़ने की कोशिश करता है और कभी कान से पकड़कर उसको ऊपर खींचने का ट्राई मारता है, लेकिन पूल में गिरा पपी छोटा है तो डॉगी इस बात से भी डर रहा है कि कान खींचने से पपी को चोट ना लग जाए। डॉगी करीब 30 मिनट तक पपी को बचाने की कोशिश करता रहा और फाइनली वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। नंबर 8, मंकी सेव्स अनादर मंकी। ये वीडियो शायद आपने पहले किसी वायरल वीडियो में या फिर किसी न्यूज चैनल में देखा होगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो दोस्ती की मिसाल पेश करता है। इस दोस्ती के आगे जय और वीरू की दोस्ती कुछ भी नहीं है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। रेलवे स्टेशन पर एक बंदर को करंट लग गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अपने साथी को ऐसे हालत में देखकर एक बंदर आया और उसको उठाने की कोशिश करने लगा। जब बंदर ने कोशिश शुरू की तो इसने क्या कुछ नहीं किया, बेहोश हुए बंदर को जोर जोर से हिलाया, उसको गर्दन पर काटा जैसे शॉक ट्रीटमेंट दे रहा हो, धोबी के कपड़ों की तरह उठाकर पटका। इन शॉर्ट वो सब किया जो किसी डेली सोप में या ड्रामा मूवी में हीरो को बचाने के लिए हीरोइन करती है। जब किसी से काम नहीं बना तो आखिर में बंदर ने बेहोश बंदर को पानी में गिराकर दे दना दन पटकनी दी। फिर क्या था, भगवान प्रसन्न हुए और बंदर होश में आ गया। नंबर 7, पिग सेव्स गोट। कुछ लोगों का मानना है कि पिग डंब और मतलबी जानवर होते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है उनको हम वो इंसिडेंट याद दिलाना चाहेंगे जब लूलू नाम के एक पिग ने अपनी मालिक की जान बचाई थी और उसके बाद तो वो टीवी पर छा गया था। लूलू की तरह ही इस वीडियो में एक पिग ने बकरी की जान बचाई है। ये बकरी पानी के बीच में फंस गई थी और अपनी ही बोली में चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, सब वीडियो बनाने में लगे रहे। तभी पानी को चीरता हुआ एक पिग पूरी तेजी के साथ वहाँ पहुँच गया। डूबते को तिनके के सहारे की तरह बकरी को तो बस जरा सा सहारा चाहिए था। हाँ, वो अलग बात है, बकरी का ये सहारा थोड़ा मोटा था। बकरी इस सहारे की मदद से बाहर निकल आई और ये पिग बकरी की नजरों में हीरो बन गया। नंबर 6, लायन सेव्स बेबी काफ। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप बोल सकते हैं कि शेर इतने भी बुरे नहीं होते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए खुद ही देख लीजिए। जंगल में अपनी माँ से एक गाय का छोटा बच्चा बिछड़ गया और उसको ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इसको अपनी माँ तो नहीं मिली, लेकिन एक शेर जरूर दिख गया, जिसको देखते ही बच्चे ने पूरा जोर लगाकर भागना शुरू कर दिया। अब शेर की स्पीड के आगे ये गाय का बच्चा कहाँ टिकने वाला था, तो ये शेर के चंगुल में फंस गया। अब क्या, शेर तो गाय के बच्चे को खा ही लेगा ना। ये ख्याल हमारे दिमाग में भी आया और शायद आप भी एक पल के लिए यही सोचेंगे, लेकिन अब जो आप देखेंगे उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। शेर गाय के बच्चे के साथ खेल रहा था और तो और उसको दूसरे शेर से प्रोटेक्ट भी कर रहा था। अचानक इस शेर के दिल में ये ममता कैसे जग गई, इसको तो भगवान ही जाने। नंबर 5, चीता सेव्स बेबी बबून। शेर की ममता को तो आपने देख लिया, अब जरा चीता के प्यार को भी देख लीजिए। चीता ने बबून का शिकार किया और उसको शांति से खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इससे पहले कि चीता
लड़का बबून को खाना शुरू करता, उसकी नजर अपनी माँ की बॉडी से चिपके हुए बेबी बबून पर पड़ गई। चीता अपने मरे शिकार को छोड़कर उस बच्चे के पास पहुँच गया। बच्चा अपनी माँ के कातिल को देखकर सहम तो जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन चीता बेबी बबून को प्यार करने लगता है। ये उसको दूसरे जानवरों से बचाता हुआ पेड़ पर ले जाता है और वहाँ इस बच्चे को उसकी माँ की तरह ही ख्याल रखता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिन से रात का वक्त आ गया, लेकिन चीता बच्चे को छोड़कर नहीं गया। अब चीता के ऐसे करने के पीछे रीजन क्या है, ये तो भाई वही जाने। हमें तो वीडियो बहुत प्यारी लगी। नंबर 4, हिप्पो सेव्स वाइल्डबीस्ट। शेर चीते की बात तो हो गई, अब जरा बात करते हैं मोटे थुलथुले हिप्पो की, जिसने मगरमच्छ के चंगुल से वाइल्डबीस्ट को बचाया। दरअसल पानी पीने गए वाइल्डबीस्ट को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। वही कुछ हिप्पो भी मौजूद थे जो पानी में आराम फरमा रहे थे। हिप्पो का ये झुंड बहुत देर से वाइल्डबीस्ट की मगरमच्छ के चंगुल से भागने की कोशिश को नोटिस कर रहे थे और इसको देखकर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे, जैसे कोई सास बहू की लड़ाई देख रहे हो। लेकिन जब हिप्पो इस एक ही चैनल को देखते देखते पक गए और उनके आराम में खलल पड़ने लगा, तो पहुंच गए मगरमच्छ को फटकार लगाने कि बहुत हुआ ये सास बहू का ड्रामा, हम यहाँ आराम कर रहे हैं और तुमने शोर मचा रखा है। फिर क्या था, हिप्पो की दादागिरी को देखकर मगरमच्छ ने फौरन वाइल्डबीस्ट को छोड़ दिया और पीछे हट गया। हटता भी कैसे नहीं, हिप्पो जैसे जानवर से भला कौन दुश्मनी मोल लेना चाहता है। नंबर 3, बेयर सेव्स क्रो। भालू से किसी भी तरह के रहम का उम्मीद करना बेकार है। वैसे तो आज की लिस्ट में इस कुत्ते को छोड़कर किसी से भी रहम की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबने हमें गलत साबित कर दिया है, इस भालू ने भी। ये वीडियो किसी जू का है जहां पानी में कोई कौवा गिर गया, वो भी भालू के पास। कौवा पानी से निकलने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन बेचारा निकल नहीं पा रहा था। भालू से कौवे की एक कोशिश देखी नहीं गई और उसने पानी में हाथ डाला और कौवे को बाहर निकाल दिया। पहले तो लगा कि शायद भालू कौवे को बाहर निकाल कर चीर फाड़ करके उसको खा जाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। भालू का इस तरह का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड और तारीफ के लायक है। नंबर 2, डॉग सेव्स बेबी डियर। जब हमने डॉग को सुपर हीरो बोला तो हम उसकी एक और वीडियो तो दिखा ही सकते हैं ना। वैसे भी डॉगी की किसी वीडियो को देखना कौन पसंद नहीं करेगा। ये किसी बीच के पास का वीडियो है जहां आपको पानी में एक कुत्ता मुंह में कुछ दबाए हुए दिखाई देगा। पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, लेकिन जब डॉगी किनारे पर आ जाता है तो पता लगता है कि ये हिरण का बच्चा है। इस हिरण के बच्चे को बचाने के लिए ये डॉग बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में उतर गया था। पानी से बेबी डियर को निकालने के बाद भी डॉगी वहाँ से हटा नहीं और हिरण के उस बच्चे को होश में लाने की कोशिश करता रहा, जब तक रेस्क्यू टीम वहाँ नहीं पहुँच गई। इस डॉगी की बदौलत आज हिरण बिल्कुल ठीक है और मजे में रह रहा है। पता नहीं लोग कुत्ता शब्द को गाली की तरह क्यों यूज करते हैं, जबकि कुत्ते से ज्यादा वफादार और समझदार कोई दूसरा जानवर हो ही नहीं सकता। नंबर 1, रैबिट सेव्स कैट। अब बात करते हैं ऐसे जानवर के बारे में जिससे मदद की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि ये जानवर इतने छोटे होते हैं कि इनको खुद ही दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं खरगोश के बारे में, जो आपको यहाँ एक गड्ढा खोदता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दे कि ये रैबिट खेल खेल में गड्ढा खोदने की मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि एक बिल्ली दूसरी तरफ फंसी हुई है और ये खरगोश उसे बाहर निकालना चाहता है। खरगोश तब तक गड्ढा खोदने में लगा रहता है जब तक बिल्ली बाहर नहीं आ जाती। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि किसी ने फोन से इस वीडियो को बनाया है, जो बिल्ली को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि रिकॉर्डिंग करने में बिजी है। या फिर ये भी हो सकता है कि उस आदमी ने जानबूझकर बिल्ली को बंद किया हो ताकि वो खरगोश और बिल्ली की इस वीडियो को बनाकर पैसे कमा सके। वाह रे दुनिया, सोशल मीडिया क्या आया, लोगों से मानो इंसानियत खत्म हो गई। लोग अब मुसीबत में फंसे दूसरे लोगों की मदद नहीं करते, बस दूर खड़े होकर वीडियो बनाते रहते हैं या फिर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मदद करने का दिखावा करते हैं। लेकिन जानवर ऐसे नहीं होते, ये अपने फायदे के लिए किसी की हेल्प नहीं करते बल्कि दिल से मदद करते हैं। अगर कहे कि इंसान जानवर और जानवर इंसान बन रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।